Hello students, assalamu alaikum. I am Muhammad Farid, your teacher from Government Boys Primary School Tangdhar, Zone Tangdhar. We are reading English 8th class. We have started a lesson Julius Caesar and reached on page number 44, second paragraph. Brutus wanted to march to Philippi and attack Mark Antony there. But Cassius was against it. He wanted to wait for the enemy to come to them. But Brutus persuaded Cassius and they marched to Philippi. Brutus फिलिपी की तरफ बढ़ना चाहता था और मार्क एंटोनी पर हमला करना चाहता था, लेकिन कैसेस इसके खिलाफ था। वह इस बात के इंतज़ार करना चाहता था कि दुश्मन खुद उनके पास चल कर आए, लेकिन ब्रूटस ने कैसेस को मना लिया और वह फिलिपी के लिए कूच कर गए चले गए। Octavius and Mark Antony had the advantage of a good defense position as well as a fresh and rested army. Octavius और Mark Antony एक अच्छी दिफाई पोजीशन में थे और उनके पास आराम के बाद तरोताज़ा हो चुकी फौज थी। While preparing for battle, Cassius said to Brutus, "If we lose this battle, will you be content to be led a prisoner through the streets of Rome?" जंग के लिए तैयारी करते हुए कैसिस ने ब्रूटस से कहा, अगर इस जंग में हमारी हार हुई तो क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि तुम्हें रोम की गलियों में एक कैदी बनाकर लिया जाया जाए? ब्रूटस swore that he would rather take his own life than allow such a thing to happen. And the two men parted each to lead his own half of the army into battle. ब्रूटस ने हलफ लेते हुए कहा, यानी कसम खाकर कहा, मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने देने के बजाय वो अपनी जान ले लेना ज्यादा बेहतर समझेगा। और फिर वो दोनों अलग हो गए जंग में अपनी फौज के आधे आधे हिस्सों की क्यादत करने के लिए। By midday, it already seemed certain that Mark Antony's was the winning side. दोपहर होने तक ऐसा यकीनी तौर पर दिखाई दे रहा था कि मार्क एंटोनी वाला फरीक जीतने वाला है। A messenger brought news to Cassius that the enemy was in his camp, and he mistaking Brutus's own men for Antony's thought the battle was lost. एक कासिद कैसिस के लिए पैगाम लेकर आया कि दुश्मन उनके खेमे में घुस आया है, और उसने ब्रूटस के अपने लोगों को एंटोनी के लोग समझ लिया। ब्रूटस के अपने लोगों को एंटोनी के लोग समझ लिया और समझ बैठा है कि जंग हार चुकी है। इन डिसपेयर ही किल्ड हिमसेल्फ विद हिज ओन स्वॉर्ड। मायूसी में उसने अपनी ही तलवार से खुदकशी कर ली। ब्रूटस अराइविंग ऑन द सीन ए शॉर्ट टाइम लेटर फाउंड हिज ब्रदर इन लॉ डेड
एंड ही क्राइड आउट बिटरली। कुछ देर के बाद ब्रूटस वहां पहुंचा, अपने बहनोई को मरा हुआ देखा और बड़े जोर से चिल्लाया। इस तरह हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह कल ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।